भोपाल से बड़ी खबर है, बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। भोपाल से महापौर पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की है। नगरीय निकाय चुनाव की पहली सूची जारी है। बीएसपी ने भोपाल से प्रिया यदुवंशी मकवाना को बनाया महापौर प्रत्याशी। तो बीएसपी ने प्रिया यदुवंशी मकवाना को बनाया है महापौर प्रत्याशी, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से, जहां पर महापौर पद के लिए बीएसपी की तरफ से जो प्रत्याशी होंगी उनका नाम है प्रिया यदुवंशी मकवाना। तो भोपाल से महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने ये सूची जारी की, नगरीय निकाय चुनाव की पहली सूची जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीएसपी ने भोपाल से प्रिया यदुवंशी मकवाना को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। तो जहां बीजेपी कांग्रेस उतार चुकी है मैदान में महापौर प्रत्याशी के नाम, उनकी सूची जारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब बीएसपी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें प्रिया यदुवंशी मकवाना को महापौर बनाया है। और इस बीच अब योगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से, बीएसपी की भी पहली सूची जारी हो गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीएसपी ने भले ही भोपाल में अपनी सूची जारी कर दी हो, पर इंदौर में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो दो दोनों बड़े दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने अपने महापौर प्रत्याशी तो घोषित कर दिए हैं, पर दोनों ही दलों ने अपने जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी नहीं की है। इंदौर में लगभग पिछले 4 दिनों से दोनों पार्टियों की बड़ी मैराथन बैठक चल रही है। कांग्रेस में कल इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर आए थे। इंदौर आने के दौरान उन्होंने एक बड़ी बैठक ली। उस बैठक में जो इंदौर की प्रभारी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, उनके साथ में शहर के अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्षद का, उनके बारे में एक लंबी चर्चा की गई है। और उस चर्चा के बाद में यह तय हुआ, जो कांग्रेस ने गाइडलाइन तय की थी कि मध्य प्रदेश में उस प्रत्याशी को टिकट देगा जो उसी वार्ड का रहने वाला हो, पर इंदौर के परिप्रेक्ष्य में इसमें उन्होंने एक छूट दी। उनका ये कहना है कि यदि प्रत्याशी जीतने वाला है तो उसको उसके घर के, उसके जो उसका जहां रहता है उसके आसपास के किसी अन्य वार्ड से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक सूची जारी नहीं की है। वहीं भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में लंबे दौर की बैठकें चल रही हैं। कल इंदौर के जो प्रभारी हैं, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो इंदौर पहुंचे थे। इन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली। कल इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कल सूची, पार्षदों की पहली सूची आ सकती है, पर कल लंबे मंथन के बाद में कोई सूची जारी नहीं हुई। हालांकि इस बैठक के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही गाइडलाइन तय की है। वो तय है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। हालांकि यहाँ पे इस बार टिकट रिटर्न में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानियां जो आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के 85 वार्ड के लिए करीब 3400 से ज्यादा बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों में अभी महापौर की तो घोषणा कर दी है, पर अभी जो पार्षद के प्रत्याशी उनकी घोषणा होना बाकी है। आज हमारी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष जोरा रणदीप और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल से। दोनों का कहना है कि आज शाम तक के पहली सूची जारी हो जाएगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में शहर के 50 वार्ड के उन प्रत्याशियों के नाम होंगे जिनके सिंगल नाम या फिर पैनल में दो नाम आए। इसी तरीके से कांग्रेस भी लगभग 45 लोगों की सूची पर ठीक एक महेश। हाँ, ये आप हमारे साथ बने रहिए।